नमस्कार जिला आट द रेट थ्री पीएम को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर नयगढ़ में ऑटो ड्राइवर को हत्या रतनपुर गांव निर्माणाधीन पानी टांकी मिलला मृतदेह गतकाल घर को फेर नथिले सरोज महांती जुआ खेल को नहीं मर्डर संदेह वर्षा साजिला काल नुआपड़े अदिनिया वर्षा बढ़ाला चाषी चिंता उजुड़ी पर सहित डाली जातीय फसल क्षयक्षतिर आकलन सह क्षतिपूरण दाबी कोरोना कटकणा को स्वास्थ्यमंत्री बेखाते झारसुड़ा जंघा बड़देव पीठर धार्मिक कार्यक्रम में शहश लोक उपस्थित नाचिले नवदास लोकं निजे सचेतन करुवा मंत्री भूलीगले कि गाइडलाइन राज्य में 11,000 टपिला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 11,177 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 3,424 सेपटे काली ओडिशा आसिबो ओमिक्रॉन किट सहजैव ओमिक्रॉन भूताणु चिन्हट राजधानी प्रेस छक छुरामाड़े युवकों मृत्यु मामला तीन युवकों अटक रखी शहीदनगर पुलिस पचराउचरा गोष्ठी संघर्ष को नहीं हत्याकांड सूचना नुआपड़ा धरमबंधा कुटरेंगापड़ा गांव में बुलुची बाघ एक गाई को जंगल को टाणी नेला बाघ आतंक लोके घटनास्थल में बाघर पादचिन्ह ठाब कला वन विभाग ओडिशा रे गुरुचाप बलय प्रभाव में घन कुहुड़ी संभावना काली पई 8 जिला को घन कुहुड़ी पई येलो वार्निंग 200 मीटर कम रहबो दृश्यमान दूरता सेपटे 3 दिन में 3-4 डिग्री जाए खसिबो पारद नयगढ़ में ऑटो ड्राइवर को हत्या अभियोग टाउन थाना रतनपुर गांव निकट एक निर्माणाधीन घर पानी टांकी युवकों मृतदेह उद्धार कर पुलिस मृतक जनक होती लिंकुड़ीपड़ा गांवर सरोज महांती गतकाल निखोज थे सरोज किए हत्या कर फिंगी देखा परे अभोग कर टाउन थाना पुलिस तदंत आरंभ कर युवकों मृतदेह विभिन्न स्थान में कटा दाग रही जुआ खेल को केन्द्रको सरोज को हत्या कर अभोग कर भाई का दिन वाले सका आसी घर ताक डाक नहीं मारदे कार्तिक हरिहरपुर कार्तिक आक हाथ में मिशुला हाथ में जाता गाड़ी नहीं अटो डाक भड़ा को डाक मारदे जी सांगसाथी जो अटो आसे चलिया सांगसाथी स्टाण रे पाथ लंडा फंडा सब मिसिक पैसा पत्र खेले जुआ आउ आम सदा बेले अधिकांश टाइम जे से लंडा हरिका साथ खेल आम भाव सी मारदे कार्तिक लंडा एम साथ खेले सी हाँ तार तार नाक फाक फाटी जा आखिटा हाणी आ गोटे मेढ़ बाड़ी सब पकई से घर गोटा जाक कह ब्लड अच्छी गोटे ग्लास ब्लड थुआ दिनिकिया कलाहांडी गस्तरे पुलिस डीजी सुनील बंसल माओ ऑपरेशन और पंचायत निर्वाचन उपरे समीक्षा करछन्ते कलाहांडी जिला एसपी ऑफिस रे वरिष्ठ अधिकारी सहित बैठक करले अपराह्न रिजर्व पुलिस पड़िया हेलिकॉप्टर जोगे आसी जिला एसपी ऑफिस रे पहुंचिबा परे बहु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित समीक्षा बैठक करते सहित आग को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन थिबारु निर्वाचन किभली शांति श्रृंखलार सहित करा से आलोचना करते सहित कलाहांडी जिला एक अति संवेदनशील जिला होइथिवारु माओ अंचल रे किभली निर्वाचन करा जाय परबो से समीक्षा करछन्ति पुलिस डीजी नक्सल एक्टिविटी अच्छी काश्मीर एक्टिविटी अच्छी रिव्यू कराला मो साथ अफिसर आुवनेश्वर आर ता छाड़ी करी और गोटे कथा अच्छी कि पंचायत निर्वाचन होगा को जाऊँ और कालाहांडी गोटे बड़ डिस्ट्रिक्टा सेनसीटिव डिस्ट्रिक्टा एक नक्सल एक्टिविटी रही तेणु निर्वाचन केमती भल भाव करहब से विषय आम समस्त बसिकर कथबार्ता कलु से विषय आलोचना क्लियर करागला और जो ओवरऑल क्राइम सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट अच्छी से पूरा पूरी कंट्रोल में अच्छी ताकि जो महत्वपूर्ण बड़ केस इत्यादि होझीरे मझीरे विषय आम एस पी सा कथबार्ता कलु और आईन व्यवस्था केमती भल भाव चली हम से विषय भी आम आलोचना
विशाखापट्टनम गुणुपुर ट्रेन में लुटेरा गैंग लुट विशाखापट्टनम ठार आसुवा गोटे परिवार महिला तीन भरी गहना लुट हो काशीनगर थाना एतला देखते महिला सेपटे दुई लुटेरा खसी जाता बेले ग्रामवासी माने ताकु काबू कर माड़ मार सहित तो पुलिस जिमा देते सुबरपुर पितामहल पंचायत स्क्राप चोरी बेले पिकअप गाड़ी को अटकाले ग्रामवासी कहा निर्देश में स्क्राप नि ड्राइवर को ग्रामवासी पचार सरपंच से प्रतिक्रिया रखिंट पंचायत कार्यालय पुराणा नलकूप लुहा को स्थानीय सरपंच बेआईन भाव बिक्री कर तेरे ग्रामवासी गाड़ी को अटक रखा सहित सामग्री सबको ओल्लैवा कहते तेज नियम अनुसार जल और परिम मिशन तरफ समस्त स्क्राप को आकलन कर निलाम करने कथा कि सरपंच बेआईन भाव कबाड़ी में स्क्राप बिक्रय कर वीडियो भाइराल होगा लगी बारिक बाबू कहले के सरपंच पितामूल सरपंच की तेहबदर सरपंच तेहबदर पंचायत अच्छे जानी पितामूल पंचायत के ढुकालू बस गोटे हेले नंबर अनेक केते बेले बाइक नंबर तो आउ केते कार नंबर रे चले बस पिकनिक हो अबा बर यात्री आउ केते बेले स्कूल पिला समस्ते ए गाड़ी रे जानती मात्र जानी न थंती ए गाड़ी रो कागज पत्र ठीक नहीं बोली आज चौदवार पुलिस कोनोसी सूत्र रो खबर पाई बस टी जबत करबा सहित ड्राइवर को थाना अटक रखी तेज ए गाड़ी मालिक परिवहन विभाग को चकमा देखाई बहु समय नंबर बदल चलाउथिबा चौदवार अंचल अन्य जड़े बस मालिक अभियोग करिसेंती अभियोग दे दस दिन है दे से गाड़ी टी जेहेतु रूराल रोची सी आज बाहर पर मुझे जनइली सारे ये गाड़ी एमती से स्कूल पिला मेट्रिक परीक्षा चलता हलदी बसंतरु शंकरपुर से पांच दिन चलला ऑल ओडिशा जो पिकनिक जहाँ भलमंद से बाइक नंबर के कार नंबर के स्कूटर नंबर रे तार से गाड़ी चल चली से भाई मुझे सार आटो सार आम प्रशासन तो दायी हे से जेहेतु कोड़े दिन है मुझे लिखित आकर से पूरा समस्त आखिरे धूली पक चली संबलपुर जुजुमरा रेलवे फाटक रे निर्माण हेबो अंडरपास एथिपई रेल विभाग निष्पत्ति नी घोषणा कर सारी जुजुमरा ब्लॉक आदिवासी बहुल अंचल भाव परिचित 55 नंबर जातीय राजपथ जुजुमरा जीवा समय रास्त रेलवे फाटक पड़ता है संबलपुर अनुगुल रेल लाइन होइतबारु प्रतिदिन 25 रुर्ध ट्रेन चलाचल करथाय प्रतिदिन रेलवे फाटक बंद हेबारु लोके यातायात करिवारे बहु असुविधार सम्मुखीन होइथान्ते दीर्घ समय धरी आंबुलांस को मध्य छेड़ावाकु पड़थाय पाखापाखी 20 रु अधिक पंचायत लोक जीवा आसीबा करथुवा बेले दीर्घ वर्ष हेबो रेलवे अंडरपास निर्माण पर दावी होता तेज केन्द्र रेलमंत्री और शिक्षामंत्री को जुजुमरावासी चिठी लिखा पर जुजुमरा फाटक अंडरपास निर्माण पर घोषणा हो यहाँ बहुत दीर्घ दिन दाबी थिला ए अंचल समस्या थिला आ अंचल समस्या को बहुत दिन पर यहाँ आज आम मान्यवर सांसद आसिकिना मानने त्वरान्वित कले आ बहुत जल्दी एटी कम भी आरंभ हो गला बहुत जल्दी एटी गोटे LHS माने लो हाइटेड ब्रिज तलपटर जीवाई सुविधा हाँ आउ गमनागमन बहुत असुविधा होता आगामी दिन में आज बहुत खुशी जिनस धन्यवाद देवी मुझे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आम सांसद नितेश गंगदेव को जुजुमरा में हमारा रेलवे का 3 लेवल क्रॉसिंग REV सैंक्शन हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ 6.5 क्रोर्स वर्क विल बी स्टार्टेड विद इन 15 डेज टाइम टेकन एंड इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 1.5 ईयर और 1.5 ईयर जी खुशी खबर खुशी दिन भी आज कि ये अंचल जो स्वाधीनता से मैंने लगी नरेन्द्र मोदी द्वारा अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री द्वारा रे धर्मेंद्र प्रधान हायर एजुकेशन मंत्री द्वारा रे और मु भी से माने को जोगाजोग करी कर एटा REV तीनटा REV 6.5 कोटी टंका रु काम हेबार जाउची मते खुशी लागुची ये अंचल लोक फायदा नेबे बेनिफिट नेबे ट्रक बाइक मुहांमुही धक्का दुर्घटन रे बाइक चालकों मृत्यु बालेश्वर नीलगिरी कदम साही रे घटी भि मर्मन्तुद दुर्घटना मृतक होती नीलगिरी थाना छोट कानपुर अंचल करुणाकर राउत घटनास्थल में नीलगिरी पुलिस पहुंची ट्रक को जबत करने सहित तदंत करुवकों मृत्यु में अंचल शोकर छाय खेली जाए
पंचायत निर्वाचन को नहीं केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन प्रस्तुति बैठक सद्भावना कक्ष में आयोजित सर्वदल बैठक में केवल कांग्रेस और बीजेडी सदस्य मैंने उपस्थित रही थे तेरे तरबरी भाव केन्द्रापड़ा ईडीएम पीतांबर सामलों समेत उपजिलापाल निरंजन बेहरा सर्वदल बैठक को सारी अंपक्ष बीजेपी प्रतिनिधि विलंब में पहुंचा पर असंतोष व्यक्त कर जिला प्रशासन चंचकता कर अभियोग कर आज एडीएम सार्षतार गोटे मीट सर्वदल मीटिंग होता निर्वाचन आचरण विधि विषय आमको जनइले कि भाव में अबाध निरपेक्ष निर्वाचन परिचालन हाब एवं आम सहयोग कमी रहीपाई से आम पाखे अनुरोध रखिले आज पर गाइडलाइन पंचायत राज त्रिस्तर पंचायत राज निर्वाचन करने समस्त पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि मैंने उपस्थित थे जिला प्रशासन से अनुसार तुम गाइडलाइन दे जो अमेंडमेंट कर पचरे सेटा से कपी धरले और कहले कि पांचज को लेकर केवल प्रार्थी मुवमेंट करा कि पांच दल सब दल पांच रु अधिका रही पारे ना स्मूथ कंडक्ट हे पब्लिकली कौन सी एफिक फेफिक किसी पोड़ जा पार ना क्या इनसल्ट कर जहाँ आज पर गाइडलाइन अच्छी सीआक मानिकी निर्वाचन परिचालना निर्वाचन शेष पर्यटन कार्य करने जिला प्रशासन समस्त पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि मान को गोटे अपील रखी आमर ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 32 जाक जोन केन्द्रापड़ा अच्छी और 32 रु 32 जोन विजु जनता दल निश्चित भाव में बाजिमात कर आशा और दृढ़ विश्वास जो साधारण निर्वाचन आचरण विधि बा एनसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ताप आलोचना करा जाइतला सहित आमर 17 रु 21 भितर आम जो एंटायर डिटेल आमर जो शेड्यूल अच्छी निर्वाचन कमिशन जो नोटिफिकेशन आलोचना करा जाइतला एवं सेथिरे आमर आसंता 17 रु 21 भितर आम नॉमिनेशन फाइल हे से नॉमिनेशन केमी क्लियर भाव में नॉमिनेशन करेंगे समस्त पार्टी एवं नंबर ऑफ पार्टिसिपेट रहिबे एवं कैंडिडेट से प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे एवं आगामी निर्वाचन से भाग नेबे एवं आमको भल वार्ड मेंबर ठार आरंभ कर जिला परिषद मेंबर पर्यंत सिलेक्टेड कैंडिडेट केमी आसवे एवं लोक मैंने प्रशासन सुविधा पाई से आज मीटिंग आह्वान करा जाए अमानिया शासक दलर कर्मी मानुना कोविड कटकणा भूली जाइछंती सामाजिक दूरता जगत सिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लक में अलाबोल पंचायत में सरपंच टिकेट बंटा को केन्द्रको विजु जनता दल कर्मी मध्य गंडगोल होती आशायी प्रार्थी मैंने टिकेट पर गंडगोल कर वीडियो एवं भाइराल होगा लगी साधारण लोकों पर नियम मंत्री ना नियम करोना कटकणा को फू करदे खोद स्वास्थ्य मंत्री नव दास झारसुड़ा लईकेरा ब्लक मयूरढ़ीपारे जंघा बड़देव पीठ से एक धार्मिक कार्यक्रम में जोगद मंत्री गोटेपटे करोना महामारी संक्रमण सारा राज्य में व्यापक रूप धारण कर सरकार कटकणा लगे अंपटे कुशासक दल मंत्री ही यार उल्लंघन कर गेरुआ रंग धोती पिंधि आदिवासी आराध्य देवता जंघा बड़देव प्रतीक धरी नव दास नाचुवार दृश्य क्यमेर कहीदी स्वास्थ्य मंत्री निजे ट्वीट कर लोके कोविड कटकणा को पालन पर अपील कर केमिति हजार हजार लोकों गहन में उपस्थित हेले बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर राज्य सरकार निजे कोरोना पाई गाइडलाइन जारी कर बोध हुए साधारण लोकों पर अलग एवं तांकर सरकार सरकारी मंत्री जो मैंने मंत्री मानक बोधे अलग नियम कारण विगत दिन में भी जब भी कोरोना गाइडलाइन झारसुगुड़ा रे प्रथमे नव दास झील उल्लंघन करथर मध्य 6 तारीख दिन प्रथमे ट्वीट कले निजे स्वास्थ्य मंत्री मुझे कोरोना पीड़ित हो 12 तारीख दिन निजे प्रेस मिट कर लोक मानते थे ये कि भाया कोरोना प्रोटोकल एवं गत काली मध्य जो भलिया भाव रे से कोरोना प्रोटोकॉल को उल्लंघन करछंती गोटे पटे ट्वीट करी कि निजे कहउछंती जे समस्त प्रोटोकॉल फॉलो करंतु उपदेश दउछंती एवं निज तांको पई उपदेश लागू नुहे कि जदि नुहे ताले सरकार तुरंत एक्शन नियंतु स्वास्थ्य मंत्री विरुद्ध एफआईआर रुजू करा जाउ एवं तांकु
दृष्टांतमूलक एक्शन निया जाउ जहा फल रे कि समस्त कोरोना प्रोटोकॉल को मागिबे एवं मु निर्वाचन कमिशन को मध्य अपील करबा पई चाहे जेहेतु एबे निर्वाचन घोषणा हेछि पंचायत एरिया रे घटना घटिछि स्वास्थ्य मंत्री को विरुद्ध रे तुरंत ये संज्ञान रे नै कि निर्वाचन कमिशन मध्य एक्शन नियंत लोकों को पई कोविड नै किंतु मंत्री को पई किछि नै एटा गुटे आश्चर्यजनक कथा अछि स्वास्थ्य मंत्री हे करी यदि ए प्रकार व्यवहार करूछन्ति से साधारण जनता को कोन आउ आमे कहि परि आज शासन प्रशासन जहाँ करुच्छे 500 टका बाट को चलने मास्क न लगे फाइन जहाँ कले फाइन पांच लोक हो गले फाइन ए सरकार बिलकुल केमती लोक को मारणा नीति चल आज स्वास्थ्य मंत्री बुली बुली डांस करुंट नाचुंट लज्जार विषय राज्य में उपरमुहा कोरोना संक्रमण 11,000 टपिला दैनिक कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा रे ओडिशा रे 11,170 आक्रांत चिन्हट होती 6,479 जन क्वारंटीन रु बाकी 4,698 लोकाल केस रही खोर्धार सर्वाधिक 3,424 पॉजिटिव चिन्हट सुंदरगढ़ 2,136 अनुगुल 132 बालेश्वर 342 बरगढ़ 123 पॉजिटिव चिन्हट होती भद्रक 92 बलांगीर 312 बौद्ध 71 देवगढ़ 25 ढेंकानाल 65 गजपति 73 गंजाम 108 जगत सिंहपुर 164 जाजपुर 179 झारसुडु 193 कलाहांडी 173 आक्रांत चिन्हट होती सेपरी रायगड़ 184 संबलपुर 379 और सोनपुर 238 जन चिन्हट होती राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 1,33,912 पहुंचा बेले 10,55,615 जन सुस्थ हो सारे एवं राज्य में 69,763 जन कोरोन आक्रांत हो चिकित्साधीन अच्छा अनपक्ष मृत्यु संख्या 8,481 को वृद्धि पाई नुआपड़ा अदिनिया वर्षा भांगिदेछि परिबा चासिंग को मृत्युंड बिलाती पियाज मुग चणा भली फसल वर्षा रे संपूर्ण नष्ट हो जाइछि जिल्ला रे किछि दिन हला लगाण वर्षा जोगु कुमना ब्लॉक नुआगा पंचायत रो पियाज एवं डाली जातीय फसल प्रभावित होइछि सेपरि धान मुग बिरी हरड़ भली विभिन्न चाष मध्य नष्ट हो जाइथिबा देखिबा को मिलिछि धारस करस करी चाष करथुवा चासिंग को दुख बे दुइगुणित हो जाइछि तबे जय किसान मजदूर संग्राम परिषद रो आवाहक जदुमणि पाणिग्रही चासिंग को सहित देखा करी यथाशीघ्र क्षयक्षति रो आकलन करी क्षतिपूर्ण दाबी करछन् अनुगुल जिला कृषि अधिकारी कहते आम यथाशीघ्र चाषी क्षतिपूर्ण चेस्ट कर लस है पथर पा आसला के चना चुनाव बुन छुआ रेदी कर किसी गोटे गोटे किसी चीर कर चलमु बोली गोटे विचार करूँ से भी मत कहीगला लोन आनी चना तो डबल लाके से कहीगला कहीगला के उपाय नहीं आम आर चलवार मुस्किल अच्छे आर किसी गोटे गवर्नमेंट तरफ सहयोग नहीं पाइले बापा आम आर कौन बुद्धि दुई वर्ष तो आम नुआपड़ा जिलार अधिकांश अंचल मरुड़ पड़ते से परिस्थित आम धान पान कम पाइल से मन पर रवि चाष कर प्रतिवर्ष कपड़ा लता अन्य प्रकार मन सहयोग पाँचु से प्याज चाष चना चाष कराई से सब वर्षा द्वारा नष्ट हो जाए से मुई आपण मानक अनुरोध मान आपत्ति अभियोग करुच्छे किसी कि मान गाँव वाला के बाद क्षतिपूरण चाषवास किसी साहय सहयोग कले आम कृतांजलि आपणु बोले मोर आशा मुई आपण मान जरिया शासन के प्रशासन के नवेदन करुचे जे सर्वे करूँ तुरंत कृषि विभाग राजस्व विभाग के लगे करी ओडिशा रिलीफ कोर्ट नियम मुताबक से क्षतिपूरण दि जाऊ इनपुट सब्सिडी दि जाऊ आगामी रविपाई विकल्प चाषर व्यवस्था दि जाऊ नचे अंचल चाषी मैंने पूरा मानने भांगी पड़े आगामी दिन जब सब नहीं तो जय किसान मजदूर संग्राम परिषद तरफ आम जोरदार आंदोलन करमू आम विभिन्न ब्लक स्तरीय जो सब ब्लक कृषि अधिकारी मैंने ग्राम्य कृषि कर्मचारी मध्यम जो रिपोर्ट गुड़ा कलेक्शन करजे ब्लक कृषि अधिकारी मैंने से सब क्षेत्र परिदर्शन करेर तारीख जा दुई तीन टी ब्लक बर्तमान से रिपोर्टा आमर बिलो 33% 15,588 हेक्टर प्रभावित होटा कि आम आम जिलार मुख्य कृषि अधिकारी ये को जनई दे से रिपोर्ट पाख को पठा जा ये कराई सब जिलार कम्प्लाय कराए सीएर जहाँ जिलास्तरीय आमर कलेक्टर महोदय को एवं ता छड़ा आम कृषि विभाग उपरको जनईकि जहाँ करेंगे
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ବିଆଇ ଲକରୁ 1 କେଜି 600 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣା। ବ୍ୟାଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର ଗିରଫ, ମେସେଞ୍ଜର ଶେଖର କୁଲଦୀପ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ତା ନିକଟରୁ 1 କେଜି 199 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସମେତ 110,600 ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଉପକାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ହନୁମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ନିର୍ମାଣକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ପଡ଼ିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ହନୁମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଯାଇନାହିଁ। 2019 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 42,90,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ବୌଦ୍ଧବେଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ। ଗାଁ ନିକଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ନାଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦୌ ଚାଷ ଜମି ନଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ନାଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପାଣି ରହୁଥିବା ବେଳେ 10 ମାସ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ମୋଟର, ସ୍ୱିଚ୍ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଏଠି ହେଇଗଲା ନା 1.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଛାଡ଼ି କାମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କିଛି ନହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଚାଷ ଜମି ଆମର ମାଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଲାଇଫ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, କାହିଁକି ନାଳ ଦେଇ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନହେବ, ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ହେଲେ ପାଣି ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ପାଣି ପାଇବୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବେକାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଭୂତ ଖାଇବା କଥା ଏ ପଇସା। ଧାନ, ପନିପରିବା, ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ଥିବା ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କଣିହା ବ୍ଲକର ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସତେ ଯେମିତି କୁମାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବ୍ଲକରେ 90% ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନଦୀ ବା ନାଳରେ ସେଚନ ପଏଣ୍ଟଠାରୁ ପାଣି ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ବ୍ଲକର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମ ବିଭାଗ ବୁଝୁନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଝୁଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ, ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ ଆଗଭଳି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାରବାଇ ଆକଡ଼ାରେ ତାର ଦେଖାଦେଖି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚୋରି ଫୋରି ଯିବା କ'ଣ କରିବା ନା, ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଆମ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପାୱାର ଅଛି, ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ନକଲେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ବାଘ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା, 17ରୁ 19 ଯାଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସକାଳ ଯାଏଁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ 3 ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖସିବ ପାରଦ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛରିଗାଁରେ 23 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁଠାରେ 23 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା, ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ 12.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି,
ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରତା ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପ୍ରଭାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 17 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କିଛି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ତା ଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ଏହା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ 17-19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। समय बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।